लाइव आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। चलिए हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम सारी बड़ी खबरें। पीलीभीत की चारों विधानसभाओं पर बीजेपी ने लहराया परचम। शहर विधानसभा से संजय सिंह गंगवार व पूरनपुर से बाबूराम पासवान ने फिर से चखा जीत का स्वाद। बिसलपुर विधायक रामशरण वर्मा के पुत्र विवेक वर्मा और बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्ता नंद ने भी पहना जीत का ताज। बीजेपी जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह चारों सीट से बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी पार्टी के जीत दर्ज करने पर सभी को दिया धन्यवाद। चारों विधानसभाओं की जीत के आंकड़े 127 पीलीभीत, बीजेपी से संजय सिंह गंगवार 1,24,782 वोट, सपा से सैलन सिंह गंगवार 1,17,152 वोट, कांग्रेस से शकील अहमद नूरी 1,038 वोट, बसपा से साने अली 11,961 वोट। पीलीभीत विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी संजय सिंह गंगवार ने 7,630 मतों से जीत दर्ज की है। 128 बरखेड़ा, बीजेपी से स्वामी प्रवक्ता नंद 1,51,498 वोट, सपा से हेमराज वर्मा 69,660 वोट, कांग्रेस से हरप्रीत सिंह 2,695 वोट, बसपा से मोहन स्वरूप 9,321 वोट। बरखेड़ा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी स्वामी प्रवक्ता नंद ने 81,838 मतों से जीत दर्ज की है। 129 पूरनपुर से बीजेपी बाबूराम पासवान ने 1,34,204 वोट, सपा से आरती महेंद्र ने 1,73,087 वोट, कांग्रेस से स्वर्ग दयाल पासवान ने 2,050 वोट, बसपा से अशोक राजा ने 15,994 वोट। पूरनपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी बाबूराम पासवान ने 26,817 मतों से जीत दर्ज की है। 130 विसलपुर से बीजेपी विवेक शर्मा ने 1,20,675 वोट, सपा से दिव्यांग गंगवार ने 69,796 वोट, कांग्रेस से शिखा पांडे ने 1,376 वोट, बसपा से अनीस अहमद खान ने 35,286 वोट। बिसलपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी विवेक वर्मा ने 50,889 मतों से जीत दर्ज की है। इंडिया आज तक टीवी लाइव के लिए पीलीभीत से संवाददाता निजाकत अली की खास रोची। पीलीभीत हम लोग मंडी समिति परिसर में मतगणना स्थान पर हैं, जहां 127 सदर विधानसभा पीलीभीत से पहले भी विधायक रहे संजय सिंह गंगवार भारतीय जनता पार्टी ने 1,24,782 वोट लाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह गंगवार को 7,630 वोटों से हराया है। वहीं 128 बड़खेड़ा विधानसभा से स्वामी प्रवक्ता नंद जी ने 1,51,498 वोट लाकर पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के रहे हेमराज वर्मा जी को 81,838 वोटों से हराया है। वहीं 129 पूरनपुर विधानसभा से पहले भी विधायक रहे बाबूराम पासवान जी ने समाजवादी पार्टी के पहले विधायक रहे पीतम राम की पुत्र बहू आरती महिंदर को 20,220 वोटों से हराया है। वहीं 130 विधानसभा बीसलपुर में अभी 21 राउंड हुए हैं, जिसमें मतगणना अभी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पहले भी विधायक रहे रामशरण वर्मा जी के पुत्र लड़ रहे हैं, जहां से विवेक वर्मा जी जो अभी मौजूदा वक्त में 21वें राउंड में 81,506 वोट इन्होंने लिए हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी से 30,855 वोटों से आगे हैं। इस पे मतगणना अभी आना बाकी है, इस पे रिजल्ट आना बाकी है। बाकी तीन पे विजय भारतीय जनता पार्टी पा चुकी है, इस पे भी जीत का आंकड़ा रह गया है। बाकी चारों सीटें फाइनल हो सकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी का पीलीभीत में खाता भी नहीं खुलने दिया। ये बड़ी जीत एक पाकर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने एक नाम रोशन किया है, जिसमें बहुत बड़ी जीत का अंतर 128 बड़खेड़ा विधानसभा से स्वामी प्रवक्ता ने कहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए पीलीभीत से निजाकत अली, इंडिया आज तक।